हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जो है एक ऐसा डिटेल देने वाले हैं, ऐसी दवा के बारे में बात करने वाले जो कि पेट संबंधी विकारों में बहुत बढ़िया काम करता है और बहुत ही बढ़िया चूर्ण है, जिसका नाम है पत्थर हाजमा चूर्ण, जो कि बहुत ही बढ़िया और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो इसी के बारे में आज आपको पूरा डिटेल देने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बात करते हैं पत्थर हाजमा चूर्ण के बारे में, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है और स्वादिष्ट भी होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है और बाबा कंपनी का है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और जैसे जिनको भूख नहीं लगती है तो भूख बढ़ाने में बहुत बढ़िया मदद करती है, इनको बदहजमी का प्रॉब्लम है, कोई चीज़ खाते हैं तो उनका पेट भरा भरा रखता है और बदहजमी होने लगती है, तो ऐसे में जो है ये बहुत बढ़िया काम करती है। गैस में इनको बार बार गैस ढकार कच्ची ढकार आती है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है, अपच में बहुत बढ़िया काम करता है, इनका पेट बार बार फूल जाता है उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है और विरेचन में भी बहुत बढ़िया काम करता है। और जिनको जैसे लगता है कि कोई चीज़ खा रहे हैं तो भी पलटी हो जाएगी और या बार बार बाथरूम जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। और भूख ना लगना, भूख अगर आपको भूख भी लगी है लेकिन खाने की रुचि नहीं होती है, अरुचि जैसे हो जाता है, तो ऐसे में अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी जो इसमें जो इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं, जिससे कि आपको जो है भूख लगने में बहुत आसानी होगी और आपका पेट साफ होगा। और जिन लोगों को पाइल्स का प्रॉब्लम है वो भी इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जो है ऐसा लगता है कि आपको भूख नहीं लग रहा है, आपको बार बार से पेट भरा लग रहा है और आपको उल्टी जैसा हो रहा है या आपको कच्ची ढकार इतना आती है कि जो है पित्त इतना बढ़ जाता है कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं, तो उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं। और ये कड़वा भी नहीं होता, बहुत सी चूड़े होते हैं जो कड़वा होते हैं, ये कड़वा नहीं होता है, तो आप इसे यूज करके आप एक बार अगर देखेंगे तो आपको खाने में टेस्टी लगेगा और आप इसे बड़ी आसानी से खा सकते हैं। आप इसे खाना खाने के बाद रोज़ इसको जो है दोपहर में और शाम को आप खाना खाने के बाद अगर इसका उपयोग करते हैं गर्म पानी से, तो आपको देखेंगे कि आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। और इसका उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेंगे, बिना डॉक्टर की सलाह से आप कोई भी मेडिसिन आपको यूज नहीं करनी है, क्योंकि चाहे पेट संबंधी विकार हो या कोई भी विकार हो, कोई भी दवा आप यूज कर रहे हो तो आप डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। और पेट संबंधी विकारों में आपको चूर्ण बहुत सारे फायदे जो है देते हैं, क्योंकि चूर्ण आप आसानी से पानी के साथ ले सकते हो, बहुत सारे टैबलेट भी आते हैं, टैबलेट को भी आप बड़े आसानी से ले सकते हो। तो चूर्ण क्या होता है, चूर्ण से जो है आपका शरीर एक अलग से जो क्या होता है, जब हमारे शरीर में कब्ज हो जाती है और पानी की कमी हो जाती है, तो जब हम चूर्ण खाते हैं तो उसके साथ हम कम से कम एक गिलास डेढ़ गिलास पानी भी पी लेते हैं, क्योंकि अगर चूर्ण एक डेढ़ गिलास पानी नहीं पीते तो हमारे मुंह में या जैसे फंसा फंसा रहता, तो उससे हमारी पानी की पूर्ति भी होती है और हमें जो है और जो कब्ज का प्रॉब्लम हो जाता है, ज़्यादातर कब्ज जो है पानी की कमी के कारण ही होते हैं। तो अगर आप पानी कम पी रहे हो, गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो आप ज़रूर से ज़्यादा ज़्यादा पानी पीजिए, जितना आपकी एक लिमिट होगी जितना आप पी सकते हो, तो लेकिन कम ना कीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, आपको जो है पानी अधिक से अधिक पानी का सेवन करना है, जिससे आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो पाए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो उन तक ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।